नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। इनकम टैक्स की क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 41 चल रहा है इस समय, और जूम कर देते हैं आपके लिए, फिर पढ़ के सुनाते हैं, समझाते हैं उस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं, साफ दिख रहा होगा। यहाँ लिखा है डॉक्टर आर के गुप्ता कंस्ट्रक्ट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एट मुरादाबाद कंसिस्टिंग 16 फ्लैट, 16 फ्लैट ऑफ इक्वल साइज़ के हैं उस मतलब बिल्डिंग के अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है उन्होंने। द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड ऑन इन 1 अप्रैल 2011 एंड कंप्लीट हुआ है ये हमारा 31 मार्च 2015 को। ऑफ दीज 16 फ्लैट, ठीक है, 16 फ्लैट के बारे में बताई गई ये बात, 8 वर लेट आउट टू द टेनेंट ऑफ दियर रेजिडेंस। यानी 16 फ्लैट में से 8 आपने दे दिए हैं टेनेंट यानी किराएदार को रहने के लिए, 2 फ्लैट दिए हैं उनके बिजनेस के लिए। तो टोटल हमें जो किराया मिलना है वो किससे मिलना है, इन दोनों से मिलना है 10 फ्लैट का। 2 वर यूज्ड बाय आर के गुप्ता फॉर हिज ऑन रेजिडेंस, खुद के रहने के लिए। 2 ऐसे फ्लैट थे जो खुद के रहने के लिए यूज़ कर लिए, और आपको पता है कि आजकल के रूल के हिसाब से 2021 में 2 फ्लैट में आप रह रहे हैं, कोई बात नहीं, माना जाएगा कि आप रह रहे हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि एक फ्लैट में रहा हो माना जाता था, अगर एक से ज़्यादा फ्लैट यूज़ कर रहे हैं तो बाकी फ्लैट हम किराए पर मानते थे। फिलहाल अभी 2 फ्लैट में रह रहे हैं, दोनों को हम मान लेंगे हाँ ये रह रहे हैं। और फिर अगले का, 2 वर यूज्ड बाय हिम फॉर इज ऑन प्रोफेशन ए बिजनेस। यानी 2 फ्लैट ऐसे हैं जो उसमें अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, इससे जो इनकम होगी वो पीजीबीपी में आएगी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पे उसमें आएगा। एंड 2 वर अलॉटेड टू एम्प्लॉई ऑफ आर के गुप्ता बिजनेस फॉर दियर रेजिडेंस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ दीज 2 फ्लैट बाय द 2 एम्प्लॉई फैसिलिटेट टू कैरिंग ऑन हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस के लिए कैरिंग कर रहे हैं। तो ये जो फ्लैट हैं आपके जो एम्प्लॉय को दिए हैं वो 2 फ्लैट की इनकम भी आपकी नहीं आएगी, ठीक है, इसमें नहीं आई, पीजीबीपी में ही जाएगी वो। आगे बढ़ते हैं, द रेंट चार्ज फ्रॉम ईच ऑफ द टेनेंट वर 500 पर मंथ के हिसाब से मेरे रेंट मिलता 10 फ्लैट का, 8 और 2 10 मिला के, ठीक है, 2 8 और 2 मिला के 10 फ्लैट का जो रेंट मिलता है 5,000 पर मंथ मिलता है। बट फ्रॉम द 2 एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय वाला तो छोड़ ही दो, 200 रुपये जो उनसे मिल रहा छोड़ दो, उसमें ही आएगा बिजनेस प्रोफेशन में। वन ऑफ द टेनेंट वॉज इन एरियर ऑफ रेंट फॉर 2 मंथ। उनमें से जो हमारे टेनेंट थे 10, उसमें से क्या था हिसाब किताब कि एक टेनेंट से 2 महीने का किराया नहीं मिला, अनेबल टू पे द सेम, और वो पे नहीं कर सकता, ठीक है। द कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सर्टिफाइड, मतलब वो अनरियलाइज रेंट बन जाएगा हमारा, 2 महीने का किराया नहीं मिला। आफ्टर ही वेकेटेड द फ्लैट, मतलब उन्हें निकाल दिया गया फ्लैट से, आर के गुप्ता हैड वेट टू 2 मंथ, वेट फॉर 2 मंथ टू गेट ए न्यू टेनेंट। मतलब डॉक्टर गुप्ता ने 2 महीने और इंतज़ार किया कि नए किराएदार मिले। तो आप कह सकते हैं 2 महीने मकान खाली रहा, कोई इसमें रहा नहीं है, तो आपको 10 महीने का किराया मिलेगा, और 2 महीने का अनरियलाइज भी बोला गया इसमें। आफ्टर ही, ये तो हमने लाइन पढ़ ली, आफ्टर ही वेकेटेड द फ्लैट आर के गुप्ता, तो हाँ ये पढ़ ली, द एक्सपेंसेस, यहाँ से द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय डॉक्टर आर के गुप्ता इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2031 मार्च 2020, जो एक्सपेंसेस हुए, म्यूनसिपल टैक्स पे किया गया है 750 रुपये ईच फ्लैट, ठीक है। 10 फ्लैट किराएदार रहे थे उनके हिसाब से ये 750 रुपये म्यूनसिपल टैक्स भी देगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर से भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करते। एनुअल इंटरेस्ट हमें दे रखा 24,000 रुपये लो। अब इस 24,000 पूरे हाउस के लिए, हाउस में 16 फ्लैट है, ध्यान रखिए हमें 10 फ्लैट का निकालना पड़ेगा और उन फ्लैट का भी निकालना पड़ेगा जो इसने रहने के लिए रखे हैं 2 फ्लैट, तो अब ध्यान रखना है इसका। लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2011 को लोन लिया है, फायर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ रहा है, क्वेश्चन बढ़ा है, इसलिए मैंने इसे वीडियो यानी मेंबर्स ओनली वीडियो के लिए रखा है। तो आप इसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आपके लिए ही बनाया जा रहा है। लॉ चार्जेस दे रखा है, इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। टेनेंट विद ईच हमें फ्लैट दे रखा है, स्कूल जाओ, इसका भी कुछ नहीं करना और हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ा दिया हमने पूरा, अब सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन में। म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो पहले हम लिखते हैं 41 क्वेश्चन कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म लेती है, अभी जगह कम पड़ रही है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आराम से। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में 16 फ्लैट हैं, हिसाब किताब लगाना है। 16 फ्लैट में से 10 में तो किराएदार रह रहे हैं और म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है, फेयर रेंट कुछ नहीं है और एक्चुअल रेंट है, तो उसी से स्टार्ट करते हुए लिखना चाहूँ तो लिख दूँ फॉर्मेलिटी के लिए, वरना ना लिखूँ तो GAV से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन सिंपल बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ म्यूनसिपल वैल्यू निल, नंबर 2 फेयर रेंट नहीं दे रखा निल, नंबर 3 एक्चुअल रेंट जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 500 रुपये पर मंथ बोला था 10 टेनेंट से, महीने का है, साल भर का निकालना पड़ेगा हमें तो, और 10 महीने का ही मिलेगा। तो अब ये देखिए 500 रुपये इंटू 10 महीने और 10 टेनेंट है तो इनसे ही किराया मिलना है। इसे लिखने का एक तो तरीका ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल सिंपल बताएं, क्योंकि एक आदमी से, एक टेनेंट से 2 महीने का किराया नहीं मिला है हमें, ठीक है, बाकी सबसे मिला है। 10 किराएदार हैं उसमें से एक से 2 महीने का नहीं मिला, बाकी सबसे मिला है पूरा पूरा पूरे उसका। तो एक काम कर लेंगे हम लोग, 500 × 12 करते हैं तो ये 6000 हो गया, 6000 × 10 टेनेंट करते हैं तो 60000 हो गया, और 60000 में से हमें 2 महीने का किराया नहीं मिला था, तो 2 महीने के लिए हम लिखेंगे 500 × 2, 1000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना किराया मिला हमें एक्चुअल रेंट 59000। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका हो गया। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 500 × 12 इसलिए किया गया क्योंकि पूरे साल भर का हिसाब से एक किराएदार पर 6000 रुपये मिलना, 10 किराएदार हैं तो 60000 रुपये देंगे, लेकिन एक किराएदार ने 2 महीने का किराया नहीं दिया हमें, नहीं दिया मतलब एक तो अनरियलाइज रेंट था प्लस 2 महीने में खाली भी रहा था उससे, तो वो खाली रहने वाला वैकेंट वाला हमने माइनस कर दिया, ठीक है, तो 1000 रुपये हमारे वो खाली रहे, उसके नुकसान रह गया, तो हमें किराया कितना मिला सिर्फ 59000 रुपये। अब हम जब करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट तो वो तो इसमें से कोई भी ज़्यादा नहीं, निल का निल रख दो, नंबर 2 एक्चुअल रेंट, अभी हम 10 हाउस का निकाल रहे हैं, 10 टेनेंट वाले का, 10 जो फ्लैट थे उनके लिए, तो एक्चुअल रेंट 59000 हो गया। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा हमारा 59000, ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं 2 चीज़ें, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे, कितना था 750 रुपये था ना इसमें, ये लिखा हुआ है 750 ईच फ्लैट, तो 10 फ्लैट के लिए कितना हुआ 7500 हो गया, और ये हमारा ये था अनरियलाइज रेंट भाई, ये किराया 2 महीने का रेंट भी नहीं मिला था हमें और 2 महीने खाली रहा था उसमें, वो लिख दिया तो 500 × 2 महीने किराया नहीं मिला, 1000 रुपये अनरियलाइज रेंट हो गया, रूल्स 4 सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए, तो ये 8500 रुपये माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50500, ठीक है, ये एनुअल वैल्यू हो गया। AV लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म, ये समझ में आ जाएगा आपको, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फर्स्ट 30% ऑफ AV, इसका निकालना है तुम्हें 30% सॉल्व कर लो, 15150 के आसपास आएगा ये, और इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन सॉल्व करके दे रखा है हमारे पास कितना था 24000 रुपये दे रखा है इसमें 24000 रुपये। अब सोचिए अभी हम 10 फ्लैट की काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं 10 फ्लैट के लिए, क्योंकि जिससे हमें किराया मिल रहा है उसके लिए 2 फ्लैट तो उन्होंने किराए के अपने खुद के लिए रहने के लिए रखे हैं मालिक ने, तो ये जो है वो 16 फ्लैट का किराया है,
वो मतलब इंटरेस्ट है, हमें से 10 फ्लैट का बनाना है, तो सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा इसे काट पीट के। आप देखिए 15,000 के आसपास आना चाहिए, ठीक है आप भी कर लेना सॉल्व। और इसे हम प्लस करेंगे, और प्लस करके कितना आएगा यहाँ पे 30,150। अब जब इसे माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगी हमारे पास 20,350। इनकम फ्रॉम एचपी जो किराएदार से कमाया है। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करना है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला बोला, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट 10 फ्लैट्स यूज्ड फॉर लेट आउट, ठीक है उनके लिए हमने सॉल्व किया। अब देखो आप सबको दिख रहा हो साफ साफ, ठीक है नोट डाउन कर लेना। अब मैं इसके साइड वाले पेज पे कर रहा हूँ। नंबर टू, दो फ्लैट थे, टू फ्लैट्स यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंस उसके लिए। इस तरीके से अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा दो फ्लैट के लिए। अब इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, जब हम खुद रह रहे हैं तो किराया तो मिल नहीं रहा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल हो जाएगा भाई, जैसे एक का वैसे दूसरे का। लेस म्युनिसिपल टैक्स निल, एनुअल वैल्यू भी क्या होगा निल। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फर्स्ट 30% ऑफ एवी निल रहेगा। सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 था 16 फ्लैट के लिए, तो फिलहाल ये जो है हमें कितने के लिए निकालना है, दो फ्लैट के लिए निकालना है। तो निकालिए दो के हिसाब से, दो से डिवाइड करो 8, 8 से 24, 3,000 रुपये आ जाएगा। तो 3,000 जब माइनस करेंगे तो लॉस फ्रॉम एचपी आएगा 3,000 रुपये, लॉस फ्रॉम एचपी, ठीक है। टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी, ठीक है तो यहाँ पे इनकम हुई थी 20,350 पहले वाले केस में, और माइनस कर देंगे 3,000, तो 17,350 ये इनकम हो गई। अब इसे नोट कीजिए आराम से, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा क्रॉप ना हो जाए। देखो अब दोनों पूरा पेज देख पा रहे होंगे आप, सेंटर में देता हूँ आप देख लीजिए आराम से। तो आपने देख लिया यहाँ पे, और बताऊँ कि यहाँ पे ऐसा भी था कि दो फ्लैट अपने बिजनेस के लिए खुद ऑनर ने रखे थे, तो वो आते नहीं है, तो दिस इनकम इज़ नॉट कंसिडर्ड इन दिस हेड, लिखना चाहो तो लिख देना, वरना इतना ही छोड़ दिए तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। दो फ्लैट अपने खुद के बिजनेस के लिए रखा, दो अपने एम्प्लॉय दिए उनके बिजनेस के लिए, तो फिर वही बात थी, बिजनेस प्रोफेशन माना चाहिए वो चीज़, तो हमने लिखा ही नहीं इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी से, इतना ही होगा। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो गया, वीडियो बड़ा हो गया, इसलिए मैं लिख के नहीं दिखाया। आप नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको 42 क्वेश्चन की जल्दी ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है ऐसी अच्छी सी वीडियो के लिए और हार्ड हार्ड वीडियो के लिए।